नुकसान तो ये देखो जिंदगी भर की कमाई है, पुरखों की ये कमाई है, उसमें लगी हुई है, ये तो करोड़ों का नुकसान है। ये 10-20 लाख रुपए का नुकसान नहीं है, ये करोड़ों का नुकसान है। अभी तो कोरोना वायरस है, अभी कोई बाहर भी नहीं निकल सकते, लेकिन हमारा घर सारा तबाह हो गया। मेरे को 1,30,000 रुपया था माने ऊपर कमरे में, वो भी हमको सारा कुछ जल गया। अभी सामने एक मैरिज हॉल है, हम लोग उधरी रह रही हूँ। तो कितने मकान इस इनकाउंटर कम से कम 20-15 मकान इधर तबाह हो गया सारा कुछ, ये टू जर सारा तबाह हो गया 20-15 मकान इधर। तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई मदद नहीं? अभी कुछ मदद नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। वो तो अब मिट्टी में मिल गए, अब तो तकरीबन अगर इसको भेजेंगे तो 10-20 हज़ार भी कोई नहीं देगा। ना गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, हमारे जो मोहल्ले की कमेटी है उसके हम इतने शुक्रगुजार हैं, अगर अपनी जान भी उनको देंगे वो भी कम है, क्योंकि उन्होंने हमें इस वक्त शेल्टर भी दिया, सब कुछ दिया, कोई किसी चीज़ की कमी नहीं रखी उन्होंने, मगर ये तो फ़र्ज था गवर्नमेंट का, वो कहीं नहीं है। बाप बेटे को पालता है, मारता नहीं है। इन्होंने तो हमें उजाड़ ही दिया, क्या इनसे क्या तवक्कुल। हाँ, मेरे घर में 2 लाख रुपया था, कैश था, बीवी का जहेज था, वो जायदाद होता है इनकी, वो रौनक होती है, वो भी ख़त्म हो गया, नए से बनाना है, सब कुछ बनाना है। घरों में घुस गई ये लोग, सब कुछ लूटा। जो हमने पहना था रात को उन्हीं में हम निकले, बस वही बच गया, बाकी कुछ नहीं। तो कितना नुकसान हुआ होगा? अब क्या, मेरे 2 बेटियां हैं, उनके लिए मैंने सामान लाया था, अपना सामान था, सारा कुछ जल गया। खाने पीने के सामान, पहनने का सामान, बाकी जो था सामान, पता है आजकल बेटियों को किस तरह के सामान होते हैं, सोना कपड़ा सब कुछ जल गया, सब कुछ राख हो गया।